बातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। आज लखनऊ के लिवाना होटल को एलडीए ने सीज कर दिया है। लिवाना होटल में दो दिन पहले आग लग जाने के कारण चार लोगों की मौत और सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बताया जाता है कि लिवाना होटल के खिलाफ 2019 में एलडीए द्वारा नोटिस भेजा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। समय रहते अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद ये मंजर देखने को ना मिलता। शासन की जाँच में लिवाना पूरी तरह अवैध पाया गया। अभी हमारा डिटेल में इसका प्रमाइसेस का इंस्पेक्शन और फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो यहाँ मेंटेन हुए थे उसके बारे में जांच चल रही है, और जब पूरी चीज़ पता चलेगी, शासन को रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा। सर, एक इन्वेस्टिगेशन आपकी तरफ से भी चल रही है और साथ में मंडलायुक्त आप लोग ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें क्या निकल कर आया है? उसी जाँच की मैं बात कर सब कुछ होटल्स की जानकारी भी दी गई थी जहाँ पर तमाम अनियमितताएं हैं, उनको लेकर भी कुछ कार्रवाई आगे हो? फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि शासन ने ये जांच हमें इसके बारे में दी है, तो बाकी डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार सभी एस्टेब्लिशमेंट की चेकिंग हो रही है और उसमें होटल्स है, हॉस्पिटल्स है, मॉल्स है, कोचिंग सेंटर है, स्कूल्स कॉलेजेस है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी होगी। लेकिन जैसा मैंने कल कहा था आपसे कि कोई भी व्यवसाय या कोई भी सेवा जो प्रदान की जा रही है उसमें इस प्रकार से उसको नहीं करने दिया जाएगा जिसमें जान को खतरा हो। सर, जैसा कि अभी आप लोगों की तरफ से कोई ड्राइव चलाई जाएगी, क्योंकि 90% ऐसे होटल्स हैं लखनऊ में, चाहे वो नाका है, चल रहा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा। सर, जैसा कि इसमें अभी तक जो जानकारी दी जा रही है कि 26 लोगों की लिस्ट तैयार की गई जिनकी लापरवाही है, लेकिन और जो कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई, कितने लोग और इसमें शामिल हो रहे हैं? जांच पूरी हो जाएगी, शासन को सबमिट हो जाएगी, फिर आपको पता चलेगा। गिरफ्तारियां और भी होंगी सर? विवेचना में जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके विरुद्ध। सर, एक चीज बताइए सर, एक मुकदमे सर कितने पंजीकृत है? दो मुकदमे पंजीकृत है या फिर एक मुकदमा पंजीकृत है, क्योंकि एक एप्लीकेशन एलडीए की तरफ से भी दी गई थी? केवल एक अभियोग पंजीकृत। इस निर्माण में एलडीए के कर्मचारियों की अहम भूमिका मानी जा रही है। इससे पहले जून 2018 को चारबाग विराट एसएसजी होटल में आग लगी थी जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसमें भी एलडीए की लापरवाही सामने आई थी। इस तरह कब तक एलडीए के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लोगों की जान जाती रहेगी? फिलहाल लिवाना होटल के मालिक और मैनेजर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं, आगे की कार्रवाई जारी है। हाइड्रोलिक को बाहर से एक्सेस करने, जहां बालकनी होती है या जहां बाहर का वो होता है उसमें हाइड्रोलिक की जरूरत पड़ती है। यहां क्योंकि होटल में बालकनी अनिवार्य नहीं होती है, बालकनी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो यहां पे यूज नहीं कर सकते, तो मोबाइल आ रहा भाई है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं थी। बाकी जो हमारे स्टेयर के लैडर्स हैं उन सब चीज़ों के थ्रू ही हम लोगों ने, जैसा कि आप जानते हैं, कि रेस्क्यू किया था और 10 से 12 लोगों को बचाया गया। सर, लखनऊ में कितने अपने पास ये हाइड्रोलिक मशीन है जिससे काम करते हैं वो बताया जाता है कि वो मेरे ऊपर है? नहीं, बिल्कुल है, एक्सपर्ट चला सकते हैं, उनसे काम हो रहा है। आपने लोगों ने देखा होगा पिछले कई सारे ओकेजन पे हमने हाइड्रोलिक का इस्तेमाल किया है और जिससे हमने जो है लोगों को रेस्क्यू किया। लखनऊ कुल दो हाइड्रोलिक। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।